सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम जेसन है। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर यानी COA का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है पैरेलल प्रोसेसिंग। समझेंगे कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं, उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम लोग, उसके एप्लीकेशन देखेंगे। तो एक एक करके चलिए शुरू करते। अभी समझो ये मेरा एक छोटा CPU है, इसमें ज़्यादा कुछ कोर वोर थ्रेडिंग वेडिंग कुछ नहीं है। समझो एक CPU अपना नॉर्मल जो CPU रहता है ना, कैलकुलेशन तो सब करते हैं, वैसे एक सिंपल CPU है। और उसके ऊपर एक बड़ा सा प्रोग्राम है। बड़ा सा प्रोग्राम मतलब है बहुत ज़्यादा हैवी। फॉर एग्जांपल समझो कि ये गेम है, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। अभी गेम में क्या होता है, एक तो ऑडियो रहता है, अपने को गेम का ऑडियो समझता है ना, एक ग्राफिक्स यानी इमेजेस होता है, एक होता है गेम में कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब क्या, वो आदमी कितना आगे एक्स में जा रहा है, वाई में जा रहा है, वो सब लगता है ना गेम में। GTA खेला रहेगा तो अगर आगे पीछे जा रहा है, अगर 10 गोली है 10 में से कितना बचा है, तो वो सब के लिए कैलकुलेशन लगता है। और एक रेंडर भी लगता है। रेंडर मतलब क्या, कैलकुलेशन के हिसाब से ग्राफिक्स बनाना। तो गेम में इतने सारे प्रोसेसर्स है, वैसा गेम जैसा एक हैवी प्रोग्राम ये CPU को दे देगा। तो ये CPU करेगा, पर ये CPU को कितना टाइम लगेगा, CPU को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बराबर, क्योंकि उसको ये चारों चीज़ें एक साथ करनी है। अभी समझो अगर मैं एक सिस्टम ले लेता हूँ, बड़ा सा एक चिप ले लेता हूँ मैं, और उसके अंदर इसके से इसके जैसे चार CPU डाल देता हूँ बराबर। इसके जैसे मैं क्या करता हूँ, चार CPU डाल देता हूँ, और ये जो बड़ा सा प्रोग्राम है ना, इसको मैं चार टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ। मतलब एक में सिर्फ ऑडियो रहेगा, एक में सिर्फ वीडियो रहेगा, एक में सिर्फ कैलकुलेशन रहेगा, और एक में सिर्फ रेंडर रहेगा, और इसमें बांट दूं मैं एक एक करके, तो काम जल्दी होगा कि नहीं, काम अपना जल्दी होगा ना। क्यों जल्दी होगा, क्योंकि एक CPU एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम के पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, सब ने देख रहा है वो। इधर कैसा, एक CPU पूरे बड़े प्रोग्राम को हैंडल करता था, इधर एक बड़ा सा CPU है जिसके चार टुकड़े जो एक एक बार में एक ही प्रोग्राम के पार्ट को हैंडल करता है। तो ये कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग, किस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब क्या कि अभी अगर प्रोग्राम वन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके साथ साथ प्रोग्राम टू भी एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम का तीसरा पार्ट भी एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम का चौथा पार्ट भी एग्जीक्यूट होगा, ये चारों एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। अभी इस केस में क्या होता था, इस केस में वो एक बार में सिर्फ ऑडियो प्रोसेस कर पाता था, बाकी सब के लिए वो रुकना पड़ता था, पर इस केस में चारों चीज़ें एक साथ प्रोसेस हो रही है। तो ये है पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल वर्ड का मतलब भी है एक साथ करना कोई भी चीज़ों को। अभी इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, सेटिंग मतलब हम लोग कैसे कैसे चीज़ों को अरेंज करके पैरेलली उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं एक एक करके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मतलब क्या कि मेरा CPU का ऐसा अरेंजमेंट कि मैं मल्टी प्रोसेसिंग कर पाऊँ। तो उसके दो टाइप्स है, SMP मतलब सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। सिमेट्रिक मतलब क्या, एक जैसे, सिमिलर। और NUMA मतलब NUMA मतलब क्या, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। अभी ये क्या है मैं इस वीडियो के इस पार्ट में बताता हूँ। अभी समझो ये मेरा एक इंडिविजुअल प्रोसेसर है, ये P है, P मतलब प्रोसेसर, ये मेरा प्रोसेसर है, ये कैश है, हर प्रोसेसर का कैश है, इंडिविजुअल कैश है, और सबका एक मेमोरी है, सबका एक इंडिविजुअल मेमोरी। अभी ये C का ये मेमोरी है, ये प्रोसेसर का ये मेमोरी है, ये प्रोसेसर का ये मेमोरी है, तो हर एक प्रोसेसर का एक इंडिविजुअल मेमोरी है, और वो सबको एक बस कनेक्ट करता है। बस मतलब मैंने मेरे लास्ट वीडियोस में बताया था कि ऐसा रोड जहाँ से डेटा फ्लो हो सकता है। तो अभी ये सबसे बेसिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, पहले यही यूज़ होता था बहुत, अभी ये यूज़ नहीं होता, अभी ये यूज़ होता है, मैं बताता हूँ क्यों करके। तो अभी ये जो प्रोसेसर है ना, ये सब प्रोसेसर को इंडिविजुअल मेमोरी है। अभी मेमोरी में कभी कभी क्या होता है कि एक बड़ा सा इंस्ट्रक्शन आता है तो ये प्रोसेसर क्या करेगा, उसका डुप्लीकेट ये मेमोरी में स्टोर करेगा, पर सेम डेटा यहाँ पर है, ये प्रोसेसर को नहीं मालूम कि ये डेटा यहाँ पर है, तो वो क्या करेगा, वो सेम चीज़ यहाँ पर भी डुप्लीकेट करेगा, ये चीज़ यहाँ पर भी डुप्लीकेट करेगा। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं हम लोग, कैच कोहेरेंस बोलते हैं। कैच कोहेरेंस का प्रॉब्लम्स होता है इस सेटअप में।
कैश को कैश कोहेरेंस क्या होता है कि एक ही चीजों को तीनों मेमोरी मॉड्यूल्स में डुप्लीकेट करके लिखा जाता है। अभी क्योंकि ये प्रोसेसर को नहीं मालूम ना कि ये प्रोसेसर ने ऑलरेडी ये मेमोरी में कुछ लिखा है, उसके हिसाब से कुछ नहीं लिखा तो वो यहाँ पर भी लिखेगा। वैसे इसको नहीं मालूम कि ये यहाँ पर लिख चुका है तो वो यहाँ पर लिखेगा। तो सेम चीज तीन बार आई है, ये तो डुप्लीकेशन हुआ, मेमोरी वेस्ट हुआ ना अपना, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या था? इसका सोल्यूशन था न्यूमा आर्किटेक्चर। न्यूमा मतलब क्या? नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। अभी अभी एक प्रोसेसर है पी, ये पी एक मेमोरी को कनेक्टेड है, बराबर, बस बात खत्म। ये प्रोसेसर का कुछ भी डेटा रहेगा वो मेमोरी को देगा, ये प्रोसेसर का कुछ भी डेटा रहेगा वो उसके मेमोरी को देगा, ये प्रोसेसर का कुछ भी डेटा रहेगा उस मेमोरी को देगा। पर वो चेक कैसे करेगा कि डेटा इस मेमोरी में प्रेजेंट है कि नहीं? ये जो मेमोरी है ना, ये आपस में कनेक्टेड एक नेटवर्क से। अब जैसे कि आप देख रहे हो ये सब शेयर्ड मेमोरी है, यहाँ पर कैसे इंडिविजुअल था। अभी इसको नहीं पता था कि इसने इसमें कुछ लिखा है तो वो वापस लिख देता था तो मेमोरी जल्दी फुल होता था, पर इसमें ये सब इंटरकनेक्टेड है। अभी ये प्रोसेसर ने इस मेमोरी में कुछ लिखा है और ये प्रोसेसर को वही सेम चीज लिखनी है, तो वो अपने बस से देखेगा कि इसके पहले वाले मेमोरी में कुछ वो चीज है कि नहीं। अगर है तो वो नहीं लिखेगा, अगर नहीं है तो वो लिख देगा। तो इसमें कैश कोहेरेंस का प्रॉब्लम नहीं होता, इसमें कैश कोहेरेंस का प्रॉब्लम होता है। और एक चीज, ये थोड़ा स्लो है, ये फास्ट है। अभी जितने भी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम है सब में न्यूमा ही यूज होता है, एसएमपी उतना यूज नहीं होता। तो ये बेसिक मैंने अपने हिसाब से एक डेफिनेशन बताया आपको एसएमपी और न्यूमा के बारे में, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। अभी हम देखते हैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पैरेलल प्रोसेसिंग में, जिसका नाम है मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि ये एक ही सीपीयू है और ये इतना कुछ हैंडल नहीं कर सकता, तो अपन क्या करते हैं एक चिप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सीपीयू डालते हैं जो एक बड़े प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट्स एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, जिसकी वजह से जल्दी काम होता है। उसको क्या बोलते थे हम लोग? पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते थे। अभी मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, यहाँ पर सीपीयू एक ही है, सीपीयू कितना है यहाँ पर? एक। पर सीपीयू का जो प्रोसेसिंग यूनिट है ना, फॉर एग्जाम्पल ये सीपीयू का सब टास्क कंट्रोल यूनिट संभालते हैं, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। ये एग्जाम में लिखो मत ऐसे कंट्रोल यूनिट करके, ये मैं आपको ईजी करने के लिए बता रहा हूँ। अभी ये जो पार्ट है ये सीपीयू का, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है समझो। तो अभी एक इंस्ट्रक्शन रहता है ना, उसके दो सब इंस्ट्रक्शन रहते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन। अभी अगर सिर्फ एक सीपीयू होता और एक कंट्रोल यूनिट होता तो फिर क्या होता था? पहले वो सब इंस्ट्रक्शन वन को एग्जीक्यूट करता था, फिर वो सब इंस्ट्रक्शन टू को एग्जीक्यूट करता था। पर इस केस में दो कंट्रोल यूनिट है एक ही सीपीयू के अंदर, बराबर, कितने कंट्रोल यूनिट है? दो। तो वो क्या करेगा, सब इंस्ट्रक्शन वन को इसको दे देगा और सब इंस्ट्रक्शन टू को इसको दे देगा, तो दोनों इंस्ट्रक्शन साथ में एग्जीक्यूट हुए और ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया और ज़्यादा प्रोसेसर लगाने का भी खर्चा नहीं आ गया। एक ही सीपीयू में अपन ने दो सब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए तो अपना काम भी जल्दी हो गया। तो इस तरह के टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग ही बहुत यूजफुल टेक्नोलॉजी। अगर आप मार्केट में प्रोसेसर लेने जाओगे तो मल्टी कोर मल्टी थ्रेडिंग सुना रहेगा। मल्टी थ्रेडिंग ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है कि एक ही सीपीयू है पर उसके अंदर प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ा दिया ताकि वो एक से ज़्यादा सब इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर पाए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग भाई ये तो बहुत ऊपर के लेवल की चीज़ है, मतलब ये इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, बड़े बड़े मीडिया सर्वर्स, मीडिया कंपनीज जैसे टी सीरीज है वहाँ पर यूज़ होता है। तो क्लस्टरिंग क्या है बेसिकली? क्लस्टरिंग इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, समझ रहे हो क्या? ये फुल कंप्यूटर है, इसमें सब कुछ है, सीपीयू है, रैम है, हार्ड डिस्क है, जैसे अपना घर का कंप्यूटर है ना वैसे सब कुछ है हर एक पीसी में। पर जब हम लोग बाहर से देखते हैं ना, इंटरनेट से देखते हैं, ये समझो हमारे आईज है, ये हमारे आईज है। जब हम लोग बाहर से देखते हैं ना, अपने को ये पूरा एक पीसी लगता है, एक पीसी मतलब एक पर्सनल कंप्यूटर लगता है ये पूरा चीज़। पर अगर जो एम्प्लॉय काम कर रहा है ना, उसको मालूम है कि ये चीज़ नहीं है, ये अलग अलग कंप्यूटर्स का एक मिक्सचर है जिसको हम लोग क्लस्टर बोलते हैं। तो बाहर से जो यूज़ कर रहा है उसके हिसाब से ये एक सिस्टम है, पर जो अंदर काम कर रहा है उसको पता है कि ये एक सिस्टम नहीं है, इसके अंदर और छोटे छोटे सिस्टम्स है। और ये जो सिस्टम्स है ना, ये अकेले काम कर सकते हैं, इसको इन लोग की ज़रूरत नहीं है। पर ये सब चारों मिलके एक साथ काम करते हैं तो काम जल्दी हो जाता है, इसके लिए चारों को साथ में एक क्लस्टर बना के यूज़ करते हैं ताकि जो यूज़र है जो देख रहा है वो बेनिफिट हो। ऐसा नहीं है कि ये इसके बिना काम नहीं करेगा, ये इसके बिना परफेक्टली काम करेगा, बस इन लोगों को साथ में लाया है ताकि चीज़ें जल्दी हो जाए। तो ये था क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट। अभी लास्ट में बता दूंगा, ये जो अभी हम लोग ने पढ़ा है इतना कुछ, एक तो अपन ने मल्टी प्रोसेसर सिस्टम पढ़ा, इतने सारे प्रोसेसर साथ में कैसे काम करते हैं,
पैरेलल प्रोसेसिंग देखा हम लोग ने कि क्या होता है बेसिकली, ये क्लस्टरिंग देखा, फिर हम लोग ने ये क्या बोलते हैं उसको मल्टी थ्रेडिंग भी देख लिया कि हम लोग मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर यूज़ होती है, इसके यूज़ क्या, अभी इतने हैवी प्रोसेसिंग सिस्टम्स बना रहे हम लोग तो उसका यूज़ कहाँ पर होता है, एक एस्ट्रोफिजिक्स में। एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत सारा स्टार्स का डेटा, प्लैनेट्स का डेटा स्टोर होता है, तो उसके लिए बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स लगते हैं, तो एस्ट्रोफिजिक्स में इसका एक एप्लीकेशन है। एटमोस्फियरिक एंड ओशनिक मॉडलिंग, जो हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, वो लोग एटमोस्फियर और ओशन का डिज़ाइन बनाते हैं देखने के लिए कि सुनामी के लिए प्रोन है कि नहीं, कुछ मरीन एक्वेटिक लाइफ को प्रेडिक्ट करने के लिए, ये सब के लिए वो लोग बड़े बड़े लोगों को सिस्टम्स लगते हैं जो एक साथ बड़े ग्राफिक्स कैलकुलेशन वो सब हैंडल कर सकते हैं, तो उसके लिए भी इसका यूज़ होता है पैरेलल प्रोसेसिंग का। ऑटो कैड में यूज़ होता है, कैड मतलब क्या, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, मतलब मुझे बिल्डिंग्स डिज़ाइन करना है, गाड़ी डिज़ाइन करना है, तो उसमें भी आपने देखा रहेगा बहुत ग्राफिक्स रहते हैं, कैलकुलेशन रहते हैं, तो वो सब अपने नॉर्मल पीसी स्लो हो जाते हैं वो सब यूज़ करने के टाइम, तो उसके लिए कैड काम आता है। तीसरा मिलिट्री एप्लीकेशन, इतने कंट्रीज़ का डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस वो सब के लिए बड़े बड़े सर्वर्स रखते हैं, तो उसके लिए भी ये बड़े बड़े कैसे पैरेलल प्रोसेसिंग वाले कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। फिर VLSI डिज़ाइन, VLSI आपको पता रहेगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये क्यों यूज़ होता था, ये हम लोग को प्रोसेसर डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता था। अभी प्रोसेसर बहुत माइन्यूट होता है, मतलब प्रोसेसर के पार्ट्स बहुत छोटे छोटे रहते हैं, तो इतने छोटे लेवल में सब कैलकुलेशन करके एक एक नोड्स कैपेसिटर्स अटैच करने के लिए VLSI यूज़ होता है। और लास्ट है वेदर फोरकास्ट, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि आप जानते हो हमारे अर्थ का क्लाइमेट फटफट चेंज होता रहता है, कोई प्रेडिक्ट करना इसको बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए भी ऐसे बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स लगते हैं जो उसको प्रेडिक्ट कर पाए कैलकुलेशन से और ग्राफिकली हम लोग को सब इजी करके बता सकते हैं। तो ये उसके मेन एप्लीकेशंस है। मैं क्विक रिवीजन ले लेता हूँ, मैंने ये वीडियो में क्या क्या पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। तो पहले तो मैंने बताया था कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, कि एक छोटा सीपीयू इतना बड़ा प्रोग्राम हैंडल नहीं कर सकता, तो एक सीपीयू के अंदर चार सीपीयू डाल देते हम लोग और प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में काट के एक एक सीपीयू को देते ताकि काम इजी हो जाए, तो यही था पैरेलल प्रोसेसिंग। फिर अपन ने देखा कि पैरेलल प्रोसेसिंग को किस तरह से यूज़ करते हैं, SMP मतलब सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर, मतलब हर प्रोसेसर का एक मेमोरी था पर वो बाजू वाले से बात नहीं कर पाता था, तो वो उसको जो भी डेटा था वो अपने मेमोरी में लिख देता था, तो जिसकी वजह से क्या होता था, मेमोरी जल्दी फुल होता था। पर नॉन यूनिफॉर्म में सब प्रोसेसर को अपना मेमोरी है पर उसको मालूम है बाजू वाले ने मेमोरी में क्या डाला है, तो वापस डेटा डुप्लीकेट नहीं होता था, समझ रहे हो, डेटा डुप्लीकेट नहीं होता था तो मेमोरी फुल नहीं होता था, तो न्यूमा टेक्निक अभी ज़्यादा करके यूज़ करते हैं, SMP कोई यूज़ नहीं करता। तीसरा अपन ने देखा था कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, अभी पहले एग्जांपल्स में अपने को एक चिप के अंदर अपन ने बहुत सारे सीपीयू डाले थे, पर इसमें पैसा बचाने के लिए एक सीपीयू के अंदर छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट्स डाले जो एक टाइम पे एक सब इंस्ट्रक्शन हैंडल कर सकते, तो जिसकी वजह से क्या होता था, एक सब इंस्ट्रक्शन ये हैंडल करता था, एक ये करता था, एक सेकेंड में प्रोग्राम पूरा अपना इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता था, नहीं तो पहले इसको करना पड़ता था, इसको करना पड़ता था, यहाँ पर दोनों साथ में हो रहा था, तो ये मल्टी थ्रेडिंग है। फिर अपन ने देखा क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग क्या, एक इंडिविजुअल सिस्टम है जो खुद से काम करता है पर उसको दूसरे मशीन्स के साथ लाया गया ताकि प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ा सके, बाहर से देखने पर ये एक मशीन दिखता है पर अंदर से ये छोटे छोटे मशीन्स का एक क्लस्टर है। और लास्ट हमारे एप्लीकेशन जहाँ जहाँ पर ये पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो होप आपको ये वीडियो पैरेलल प्रोसेसिंग के ऊपर अच्छे से समझा होगा, अगर समझा होगा तो ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रहेगा ना तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट वॉज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।